हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 2 करेंगे विच इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ाई थी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, उनको कैसे मेजर किया जाता है, प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है। सो ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कवर अप करने वाले हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब देखिए, जैसे कि हम अगर डिस्टेंस की बात करते हैं या बीच का डिफरेंस निकालते हैं, तो आपको मैं बोलूँ अगर 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स का डिफरेंस आता है, तो 1:1 के रेशियो से ये 1:10 में आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जब कभी भी हम नंबर पर बात करते हैं, जैसे हमारा स्केल है, अब इसमें देखिए 2 और 3 मैंने लिया है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता है 2.5, मीन्स कि ये मिड पॉइंट हो गया। लेकिन जब हम 2.5 के बाद नंबर आएगा आपका 2.6 और 2.6 के बाद में 2.7, जब हम इतने छोटे डिस्टेंस की बात करते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, लाइक 2.6 से 2.7 के बीच का क्या डिफरेंस होगा, और जब हम उसको एग्जैक्ट फिगर में बताते हैं, तो हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा 11th के इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्कर्स आते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स इसलिए भी इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और उतना ही ज़्यादा ये इजी है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप वो रूल्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने में प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप कोई भी कर सकते हैं इसमें। अब इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि कोई भी फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है उसको हम सिग्निफिकेंट बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल 33.2, 0.090 एक्सेट्रा। All reliable digits plus the first uncertain digits are known as significant. अब हम कुछ rules के साथ में 1 by 1 एक एक इसको discuss करने वाले हैं, और हर एक का मैं आपको example दूंगी ताकि आपको each and every step clear होता जाए। अब इसमें देखिए rules for significant figures. First rule कहता है all non-zero numbers are significant. Non-zero numbers इट मीन्स कि जिसकी स्टार्टिंग जीरो से नहीं हो रही है या उनके बीच में जीरो नहीं आ रहा है, तो उन सबको हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। इसमें एग्जांपल देखिए 33.2। अब इस डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और आप नंबर्स काउंट करिए, एक 3, 1, सेकेंड भी 3 है, 1, 2 एंड 3, तो इसमें हमारे टोटल 3 नंबर्स है, तो इट मीन्स कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई आपकी, 3। नेक्स्ट भी सेम एग्जाम्पल है 43.5, तो इसमें हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई, 3। नाउ सेकेंड रूल इज जीरोज बिटवीन 2 non-zero digits आर सिग्निफिकेंट। अगर आपकी 2 non-zero digits हैं और उनके बीच में कोई जीरो है, तो उसको भी आप सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। अब इसका एग्जांपल देखिए 2051। अब इसमें जीरो देखिए 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 आपका नॉन ज़ीरो नंबर है, 0, 0 है, तो इसमें आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, 1, 2, 3 और 4, तो आपकी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई, 4। ये हमारा सेकेंड रूल है कि जीरोज़ बिटवीन 2 non-zeros, कभी भी 2 non-zero numbers के बीच में या डिजिट्स के बीच में ज़ीरो आता है, तो भी आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे, तो ये आपका सेकेंड रूल। नाउ थर्ड इज लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, फर्स्ट वन इज लीडिंग एंड सेकेंड इज ट्रेलिंग। लीडिंग का मतलब होता है जब जीरो स्टार्टिंग में हो, और ट्रेलिंग का मतलब होता है जब जीरो एंड में हो। तो आप स्टार्टिंग की बात करते हैं, लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, मीन्स कि अगर किसी नंबर की स्टार्टिंग जीरो से हो रही है तो आप उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, बाकी के नंबर्स को सिग्निफिकेंट लेंगे। अब इसमें एग्जांपल देखिए 0.54, तो जीरो क्या है, स्टार्टिंग में, इट मीन्स कि ये लीडिंग जीरो है, तो आप जीरो को काउंट ना करके जस्ट 5 और 4 को काउंट करेंगे, तो 5 और 4 में हमारी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 0.0032। अब ये तीनों जीरोज़ आपके स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग मीन्स कि लीडिंग जीरोज़ हो गए, तो आप इनको काउंट नहीं करेंगे, तो आपके पास में आता है नंबर 3 एंड 2, तो 3, 2 आपकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। नाउ नेक्स्ट इज 4th, ट्रेलिंग जीरोज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट।
जब कभी भी आपका ट्रेलिंग जीरो होगा, ट्रेलिंग जीरो मीन्स कि जीरो जब नंबर के एंड में लगता है और अगर वो राइट में हो तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट करना है, 92.00। अब इसमें देखिए लास्ट में आपके दो जीरोज हैं, मीन्स कि वो आपके ट्रेलिंग जीरोज हैं, तो आप इनको काउंट करेंगे अगर वो डेसिमल के साथ होगा तो। अब यहाँ पे हमारा डेसिमल भी है और लास्ट में दो जीरोज भी हैं, मीन्स कि ट्रेलिंग जीरोज भी हैं, तो आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करिए 9200 में 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट में 0.002082। अब इसमें हमारा जो थर्ड रूल था उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो लीडिंग जीरोज है, इट मीन्स कि ये तीन जीरोज ये हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगी, बट पीछे की देखिए 20820 तो ये हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगी। अब इनको काउंट करिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो इसमें हमारी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ रूल फिफ्थ, अब 5 नंबर पे जो रूल है वो फोर्थ वाले से थोड़ा सिमिलर है, बस डिफरेंस सिर्फ डेसिमल का आता है। ट्रेलिंग जीरोस मीन्स कि लास्ट में जीरो इन अ होल नंबर विद अ डेसिमल शोन आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल होता है तो, अगर आपका डेसिमल लास्ट में होता है तो भी आप उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। अब इसमें एग्जांपल देखिए 540 है, उसके लास्ट में मैंने क्या दिया आपको, डेसिमल, तो इट मीन्स कि हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1, 2 एंड 3, तो हमारे पास यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। टोटल आपके 5 रूल्स अभी तक मैंने पढ़ाए हैं और 1 by 1 इनको डिस्कस किया है। अगर आपको इनमें रूल्स में या किसी भी टॉपिक में जो मैंने पढ़ाया है उसमें आपको डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे वो डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। अब 6 रूल देखिए, ट्रेलिंग जीरोज इन अ होल नंबर विद नो डेसिमल शोन आर नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोज हैं, ट्रेलिंग जीरोज मीन्स की जीरो जब आपकी लास्ट में होगी। और वन मोर थिंग, इसमें हमने वीडियो में जितना भी कवर किया है इसके नोट्स आपको PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब देखिए नंबर 6, ट्रेलिंग जीरोज मीन्स की लास्ट में है कोई जीरो और अगर उसमें डेसिमल नहीं आता है, नो डेसिमल, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अगर डेसिमल नहीं होगा तो उसको आप सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 540, यहाँ पे कहीं आपको लास्ट में डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा है तो जो हमारा लास्ट जीरो है यानी कि ट्रेलिंग जीरो है उसको आप सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। तो जब यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट की बात करेंगे तो हमारा 5 और 4 जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। देन नंबर 7, एग्जैक्ट नंबर हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो हमारे एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं मतलब कुछ यूनिट्स होती हैं जो फिक्स होती हैं, जैसे 1 मीटर हो गया, वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, या फिर एवोगैड्रो नंबर, तो ऐसी चीज़ें जो फिक्स होती हैं जिसकी यूनिट्स हमने दे दी है उनमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पार्टिकल्स, सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं, तो उसमें हमारा ये रूल्स हम उसको फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट इज फॉर अ नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में जैसे स्पीड ऑफ लाइट होती है n × 10^x, देखिए स्पीड ऑफ लाइट अगर हम इसमें लिखे तो n की जगह हम 3 लेंगे, 10^8, तो इस तरीके का n मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है, 10 एंड x उसकी कोई भी पावर हो सकती है, तो उसमें जितनी भी डिजिट्स होंगी n उसको आप n आर सिग्निफिकेंट बाय द फर्स्ट 6 रूल्स, जो उसमें हमारा n होता है उसको हम सिग्निफिकेंट करेंगे या उसको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करेंगे बाकी के ऊपर वाले रूल्स को अप्लाई करते हुए, लेकिन 10^x होगी तो 10 और x को आप सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। अब एक एग्जांपल से देखिए 5.02 × 10^4, अब इसमें रूल के अकॉर्डिंग n आपका 5.02 हो गया और 10^x मीन्स कि 10^4, तो अब इसमें हम 5.02 है, 10^4 तो आपका सिग्निफिकेंट में होगा नहीं, तो हमारा नंबर क्या होगा 5.02। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपकी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये टोटल 8 रूल्स से सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके अगर आपने ये 8 रूल्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ लास्ट मेथड है इसमें हमारा पैरेलेक्स मेथड। पैरेलेक्स मेथड अभी तक मैंने आपको यूनिट्स पढ़ाई थी और लार्ज डिस्टेंस पे हम किस तरीके से चीज़ों को मेजर करते हैं, जैसे प्लैनेट्स का बताया था आपको, अर्थ और सन का डिस्टेंस बताया था,
तो उसके लिए हमने तीन यूनिट्स पढ़ी थी. फर्स्ट इज आपकी लीप ईयर, पार्सेक मेथड एंड आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट. अब इसमें हमने जब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स और लीप ईयर एंड पार्सेक पढ़ा था, तो इन तीनों यूनिट्स में आपने सबसे मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे बड़ी यूनिट हमारी पार्सेक होती है, जो साइंस में सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है जब हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे मेजर करते हैं. तो वो हमारी यूनिट्स थी. लेकिन जब हम उन यूनिट्स को यूज़ करते हुए किसी चीज़ को मेजर करते हैं, तो उस मेथड को आप पैरेलेक्स मेथड कहते हैं. अब एक एग्जांपल से इसको समझिए कि एक पेन है, या फिर जब आप आई टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो आप वो भी इमेजिन कर सकते हैं. बट मैं आपको पेन से एक एग्जांपल देती हूँ कि एक पेन है, आपने उसको अपनी आईज के पास होल्ड किया, एक बार लेफ्ट के पास में और एक बार राइट के पास में. फिर आप देखेंगे कि आपकी लेफ्ट आई से विजन थोड़ा अलग होता है, मतलब बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, और राइट आई से आपका थोड़ा अलग होता है. ये आप जब आई टेस्टिंग के लिए जाते हैं उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जब हमें लेफ्ट से दिखाते हैं तो हमें थोड़ा अलग दिखाई देता है, मतलब बैकग्राउंड. ये नहीं कि चीज़ आपको अगर कैमल दिखा रहे हैं तो वो आपको एलिफेंट दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब कि बैकग्राउंड थोड़ा सा रिलेटिव पोजीशन से आपका शिफ्ट कर जाता है, तो उसको आप कहते हैं पैरेलेक्स मेथड. अब देखिए, दिस मेथड इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स फ्रॉम अर्थ. तो ये मेथड तो पैरेलेक्स मेथड हो गया, लेकिन यूनिट्स आपकी वही तीन होंगी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, लीप ईयर एंड पार्सेक. अब इसमें देखिए, अगर इसको इजी वे में बोला जाए तो रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड इज कॉल्ड पैरेलेक्स. ठीक है. अब इसमें हमारा कोई भी डिस्टेंस्ड ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे थोड़ा दूर है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है, अ प्लैनेट और अ स्टार सबटेंडेड पैरेलल एंगल जीरो ऑन एन आर्क ऑफ रेडियस बी ऑन अर्थ. अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आई हैं, एक तो हमारा पैरेलेक्स एंगल एंड सेकेंड इज आर्क ऑफ रेडियस बी. तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है जिससे आप इसको निकाल सकते हैं. तो सबटेंडेड एंगल एस हो गया आपका बी अपॉन में थीटा. तो थीटा जब आप बात करेंगे तो आप पैरेलेक्स एंगल की बात करेंगे, और बी आपका रेडियस हो गया. तो इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियो.